नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। वर्तमान समय में धन सर्वोपरि है और सभी लोगों का एक ही प्रश्न होता है कि हमारे पास धन संपत्ति कब आएगी। विशेषकर प्रश्न होता है कि कौन सा क्षेत्र हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा, कौन से क्षेत्र में हम वर्क करें कि हमारे पास संपत्ति अधिक आ जाए, कहाँ नौकरी करें, कौन सा बिजनेस करें। आज हम हथेली को देखकर यही जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हमें किसी भी जातक की हथेली की बनावट को देखनी चाहिए। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि आपकी हथेली की बनावट, जैसे कि इन्हें देखें, ये यदि वर्ग के आकार का हो, अर्थात स्क्वायर शेप से मिलता जुलता आकार वाला आपका हथेली हो, जैसा कि ये हथेली है, बिल्कुल इनकी जो हथेली का ये जो पार्ट आप देख रहे हैं फिंगर से नीचे वाली, करीब करीब ये स्क्वायर शेप या वर्गाकार आकार की है। तो सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि वर्गाकार हथेली वाले जातक वास्तविक जीवन में, या कहे कि वर्तमान जीवन में जो मॉडर्न युग चल रहा है, इसमें अधिक सफल होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति प्रोफेशनली रूप से जीवन में अधिक सफल होते हैं। तो ये चीज़ें इनकी हथेली में स्पष्ट दिख रहा है। दूसरा, सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि आपकी हथेली का रंगत यदि पिंक हो, गुलाबी आभा लिए हुए हथेली हो, तो ये दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप भाग्यवान व्यक्ति हैं। अब आते हैं, हम बात करते हैं हथेली की महत्वपूर्ण रेखाओं के विषय में कि धन कहाँ से आएगा और सफलता कब और कहाँ मिलेगी। जैसे ही हम सफलता की बात करते हैं, हमें कुछ रेखाओं को देखना चाहिए। सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा जूम करते हैं तो चीज़ें थोड़ी स्पष्ट होगी। आइए, ये थोड़ी सी मैंने इसे जूम कर ली। अब हम इनकी सफलता की बात करते हैं तो सर्वप्रथम इनके सूर्य पर्वत और सूर्य रेखा को देखते हैं। सूर्य पर्वत यहाँ पर सामान्य रूप में दिख रहा है और अच्छे कंडीशन में दिख रहा है। अब आइए सूर्य रेखा, देखिए बिल्कुल पतली सी रेखा आपको स्पष्ट दिखेगी। ये देख लीजिए, इतनी सुंदर और लंबी सी रेखा बिल्कुल मंगल क्षेत्र से निकलकर ये सूर्य पर जाती हुई बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये रेखा दिख रही है। किसी के भी हथेली में यदि मंगल से निकलती हुई रेखा सूर्य पर पहुँचती हो तो अपने आप में एक विशेष शुभ चिन्ह होता है। शास्त्र कहता है कि सूर्य रेखा का लंबा होना, अर्थात आपको जीवन में सफलता भी लंबी मिलने वाली है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि रेखाएं निकलती कहाँ हैं, तो इनकी हथेली में रेखाएं निकल रही है। ये थोड़ा सा मैंने जूम करके आपको दिखला ली, ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट। तो रेखा निकल रही है मंगल से, अर्थात मंगल और सूर्य में एक रिलेशन बन रहा है। सूर्य को सफलता का कारक मानते हैं। सूर्य व्यक्ति के अंदर के प्रतिभा को चारों तरफ फैलाने का कार्य करता है। समाज में अच्छे मान पद प्रतिष्ठा दिखलाता है और सूर्य को हम सरकारी नौकरी से भी जोड़कर देखते हैं। तो यहाँ मंगल से निकलती हुई रेखा किन क्षेत्र से जातक को लाभ देगा? देखिए, मंगल प्रतिभा का कारण है, मंगल परिश्रम को दिखलाता है। मंगल वाले व्यक्ति काफ़ी जुझारू किस्म के होते हैं, अपने लक्ष्य की ओर लगातार अग्रसर होने रहने वाले व्यक्ति होते हैं। किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटते, कभी कभी थोड़ी क्रोधित लोगों को बनाते हैं, अंदर से काफ़ी गुस्सैल प्रवृत्ति के ऐसे जातक होते हैं। लेकिन यहाँ जो रिलेशन निकल के आ रहा है, ये बता रहा है कि ऐसे जातक यदि पुलिस में, प्रशासन में, सेना में, मिलिट्री में, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं, तो जीवन में इनको एक अच्छी और बड़ी सफलता बिल्कुल स्पष्ट मिलती हुई क्लियर अवस्था में दिख रही है। यदि इन क्षेत्र में यदि ये कार्य नहीं कर पाते हैं तो मंगल को भूमि का भी कारक माना जाता है। भूमि का कारक अर्थात भूमि से जुड़े हुए चीज़ों से इनको लाभ मिल सकता है। यदि ये रियल इस्टेट का वर्क करते हैं तो यहाँ इनको एक अच्छा लाभ होगा। कंस्ट्रक्शन से संबंधित वर्क करते हैं, ये एक अच्छा लाभ होगा। या फिर एग्रीकल्चर, ये भी भूमि से जुड़ा हुआ है। लकड़ी से संबंधित कोयला, पेट्रोलियम वर्क, भूमि से निकलने वाले किसी भी माइंस से संबंधित, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए यदि ये कोई वर्क करते हैं तो ऐसे जातक को जीवन में अच्छी उन्नति प्रगति मिलती है और इनसे इनको काफ़ी धन संपत्ति का भी लाभ होगा और इनका यश मान सम्मान भी समाज में फैलेगा। रेखा लंबी है तो यहाँ सरकारी नौकरी के एक अच्छे योग बनते हुए दिख रहे हैं और ये योग इनको अच्छी ऊँचाई पर ले जाने वाला होगा।
अब आइए दूसरी रेखाओं की हम बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा पिक्चर को रिज्यूम कर लेता हूँ। आइए थोड़ा सा रूम हटा दिया। इनकी हम दूसरी ओर देखते हैं तो अब ये तो हो गई इनकी सूर्य रेखा जो बहुत ही शुभ कंडीशन में है। इसके विषय में दूसरी जाते हैं भाग्य रेखा पर। तो देखिए भाग्य रेखा इनकी यहाँ से निकल रही है, ये देखिए चंद्र क्षेत्र से, और बिल्कुल साफ सुथरी निर्दोष अवस्था में यहाँ शनि पर पहुँचते हुए थोड़ा सा मुड़ के ये शनि पर पहुँच रही, इस प्रकार से जाती हुई दिख रही है। तो भाग्य रेखा जब चंद्र से निकलता है तो कहीं ना कहीं ये ऐसे जातक को जो विशेष सफलता लाइफ में मिलती है, अर्थात आगे बढ़ने की जो मौके मिलते हैं आफ्टर मैरिज ही मिल पाते हैं। मतलब विवाह के बाद ऐसे लोग जीवन में अच्छी और लंबी सफलता को प्राप्त करते हैं, ये यहाँ दिख रही है। या फिर पत्नी के सहयोग से, या फिर पति जेंट्स हो तो पति और लेडीज हो तो पत्नी, मतलब विपरीत लिंग, एक तरह से आप जाने कि विपरीत लिंग के सहयोग से ऐसे जातक जीवन में आगे बढ़ते हैं। चाहे आपके सहकर्मी आपके विपरीत लिंग के हो या फिर कार्य करने वाले या जिनके साथ आप डीलिंग करते हैं तो एक विशेष सफलता मिलती है, या फिर पत्नी के कारण ससुराल वालों के कारण कोई वर्क में आप हाथ डालते हैं तो वहाँ एक अच्छी सफलता मिलती हुई दिखती है। इसलिए इसे कहा गया है कि विवाह के बाद जातक यहाँ अच्छी उन्नति करता है। अब भाग्य रेखा बिल्कुल साफ सुथरी और क्लियर है, स्टडी रूप से आगे बढ़ी है। शनि के क्षेत्र पर कुछ रेखाएं हैं जो ये कह रही है कि ये शनि की रेखाएं एक तरह से ऐसे जातक को जो उन्नति देती है, ये एक स्टडी मतलब अर्थात उन्नति अस्थिरता के साथ देती है। जीवन में बहुत बड़ी छलांग लगाने के मौके इन्हें कम मिलते हैं, लेकिन जो सफलता मिलती है, जो इनको मिलती है जीवन में, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की एक अच्छे मौके मिलते हैं और धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। अस्थिरता के साथ एक अच्छी सफलता यहाँ शनि रेखा दे रही है। इनके हथेली में अन्य चिन्हों के विषय में बात करें तो हम थोड़ा सा इनकी हथेली को जूम करते हैं तो रेखाएं स्पष्ट होगी। हालांकि रेखाएं बहुत अधिक क्लियर नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी हथेली में दिख रही है। अब यहाँ पर देखें एक रेखा इनकी भाग्य रेखा से निकल कर कुछ इस प्रकार से जा रही है मस्तिष्क रेखा तक। तो यहाँ पर एक धन की कोठरी, जिसके शास्त्र में कहा गया है कि ये धन की कोठी है, ये देख लें, ये इनकी मस्तिष्क रेखा है और ये है इनकी भाग्य रेखा। इनके संयोग से जो हथेली में ये निर्मित हो रहा है, ये भाग्य रेखा चली गई शनि पर और ये देखिए ये बन गया है, जो कोण तीन कोण मिल रहा है ये बन रहा है हथेली में लक्ष्मी की कोठी या धन की कोठी, इसे शास्त्र में कहा गया है। ऐसे जातक जीवन में धन को जमा करने में सक्षम होते हैं और धन को स्टोर करने में ऐसे लोग सफल होते हैं। ये एक इनके हथेली में धन संबंधी बहुत ही अच्छा और शुभ चिन्ह है। साथ में इनकी सूर्य रेखा देख रहे हैं, थोड़ी सी जूम करने पर लिख रही है कि एक रेखा इधर से भी जाके ये सूर्य में सपोर्ट कर रही है। हालांकि सूर्य में दो तीन चार रेखाएँ, जब रेखाएँ सूर्य में अधिक हो जाती है संख्या में तो एक चीज़ इसमें निगेटिव पॉइंट होता है कि जातक को इतनी सफलता या उन्नति जीवन में नहीं मिल पाती है जितने इन्हें मिलनी थी। उसके कारण होते हैं कि इनकी प्रतिभा कई एक क्षेत्रों में बट जाती है। ये रेखाओं की संख्या जितनी अधिक आपके सूर्य पे होगी, आपकी प्रतिभा या आपकी ऊर्जा या आपकी जो भी टैलेंट है वो किसी एक क्षेत्र में कंसंट्रेट कभी कभी नहीं रह पाता है। जब आप एक साथ कई क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास करते हैं तो आपको कहीं भी एक बड़ी सफलता मिलने में देरी हो जाती है या कभी कभी ये नहीं प्राप्त होती है। तो एक साथ कई क्षेत्रों में आपकी ऊर्जाएं यहाँ बढ़ती हुई अवश्य दिख रही, जिसके कारण एक लंबी और बड़ी सफलता में आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। इस हथेली में कई एक शुभ और पॉजिटिव चिन्ह है जिसकी बातें हम अगले अंक में करेंगे। अब इनकी हम उंगलियों की बनावट को देख लें। जब इनकी उंगलियों की बनावट को देख रहे हैं तो कुछ उंगलियां थोड़ी सी जो दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि इसके बीच में गैप बहुत कम है। जिनके भी उंगलियों के बीच में गैप बहुत कम होता है या फिर जिसके हथेली में ना के बराबर होता है, ऐसे लोगों के पास धन काफ़ी अच्छे और प्रचुर मात्रा में स्टोर होते हैं। तो यहाँ धन का आना और जाना दोनों स्थिति यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रही है। ये दोनों स्थिति इनके साथ अभी चलते रहेगी।
ये बनावट बिल्कुल। कनिष्ठिका उंगली यहाँ पर लंबी दिख रही है, लेकिन काफ़ी लंबी नहीं है, ये स्ट्रेट रहने पर इसके बराबर पहुँच रही एक शुभ स्थिति है, अर्थात ऐसे जातक का मैनेजमेंट जो है वो अच्छा होता है। मनी मैनेजमेंट ऐसे लोग अच्छे से समझते हैं, किसी भी बातों को समझना, किसी के साथ डील करना, किन के साथ किस प्रकार से डील करना है, क्या व्यवहार करना है, इस प्रकार की चीज़ों के विषय में ऐसे जातक को काफ़ी रुचि होती है। और काफ़ी लोगों के साथ डील करना, लोगों के साथ मैनेजमेंट करना, या किन से किस प्रकार से वर्क लेना है, इन सब जातकों की प्रचुरता होती है। साथ में मल्टीटास्किंग व्यक्ति भी बनाता है, मतलब एक साथ कई क्षेत्रों की जानकारी रखने वाले ऐसे लोग होते हैं, और ऐसे लोग जीवन में अधिक सफल देखे जाते हैं। इनकी हथेली में पर्वतों की स्थिति शुभ है, अन्य भी कई रेखाओं की स्थिति शुभ है, जिसके विषय में हम अगले अंक में बात करेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में एक लंबा गैप है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, धन्यवाद।